आगे रखना, हमें अपनी हिम्मत को नहीं गंवाना है, चाहे कोई कितना ही चोर हो, हमें तो चाहे किसी के सामने बैठा दो, तो हमें नहीं लगता कुछ भी। सब इंसान है, हम इंसान है, ये भी इंसान है सर, हमें क्यों लगना चाहिए किसी को देख करके कोई अमीर है तो मुबारक है अमीर, हमको तो जानबूझ के गरीब बनाया गया है। जानबूझ के आपको एक ब्राह्मणत्व की ओर ले जाया गया है कि ब्राह्मणोचित जीवन जियो तभी तुम सेवा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर अहंकार होगा तो आप किस तरीके से काम करेंगे, आपकी जो पोशाक पीली बनाई हमने क्यों बनाई है, आपको सूट पैंट भी सिलवा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम आपके लिए वो मुहैया नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, फिर आपको ये भान नहीं होता कि हम एक संत के शिष्य हैं, हम संत की एक संतान हैं, हम ऋषि की औलाद हैं, आपको ये भान ही नहीं होता। हम आपको उस ओर लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ के ब्राह्मण जाता है। ब्राह्मण का एक ही काम रहता है कि ब्राह्मण सारे विश्व को उठाता है, उसके लिए सब बराबर है, वो उठाता है, ज्ञान देता है। आपको ज्ञान देना है, जो आपको यहाँ से जड़ी बूटी पिलाई गई है उस जड़ी बूटी को विस्तार करना है कि देखिए हम ये पी के आए, हमने ये चखा और हम यहाँ तक आ पहुँचे, आप भी तो जरा चख के देखिए, आप भी तो जरा स्वाद लीजिए, देखिए आप ऊँचे उठते हैं कि नहीं उठते हैं। महानता से जुड़े हुए महान बनना, महान बनना, महान बनना, महानता के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। व्यक्तित्व चाहे जितना छोटा क्यों ना हो, हम जानते हैं आप छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, हमारे लिए तो बच्चे ही हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जिससे आप जुड़े हैं उसकी शक्ति को याद करिए, फिर देखिए होता है कि नहीं। आप यूँ कैसे समझ रहे हैं कि हम अकेले पड़ जाएंगे, आप अकेले हैं, नहीं आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दो हैं, आपका पिता और आपकी माँ, जब दोनों तुम्हारे साथ हैं फिर आपकी हिम्मत कम क्यों पड़नी चाहिए, फिर आप एकाकी कहाँ रहे, एकाकी नहीं हैं आप, आपके साथ बड़ी समर्थ सत्ता है, और जिसके साथ समर्थ सत्ता हो वो तो फलेगा फूलेगा ही। आपके भौतिक जीवन में तो कमियां आएंगी, इसमें तो दो राय नहीं है, जो भी संत हुए, जो भी ऋषि हुए, सुधारक हुए, उनके पास धन दौलत नहीं थी, और हमारे पास भी नहीं है, या हमारे पास नहीं है तो हम आपको ये वरदान दें और आपको ये आशीर्वाद दें कि इसकी दौलत से झोली भर देना, नहीं ये हम नहीं कहेंगे। हम तो वो आशीर्वाद देंगे कि इसके लिए अपना मन चौड़ा करिए, कायर बनिए मत, बाहर निकल के आइए, बाहर निकल के आइए, आज सारे सर्वत्र जो पीड़ा और पतन व्याप्त है वो आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, किस कदर पीड़ा पतन बढ़ता हुआ हमारे समाज में चला जा रहा है, राष्ट्र में व्याप्त होता हुआ जा रहा है, उस राष्ट्र की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है क्या, हमारे ऊपर है, उस समाज की जिम्मेदारी नहीं है जिस समाज में हम रह रहे हैं, और जिस परिवार में हम रह रहे हैं पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारियाँ जरूर हैं, कोई सुने चाहे न सुने, हमें तो अपनी आवाज़ को बुलंद रखना है, अपनी हिम्मत को आगे रखना, हमें अपनी हिम्मत को नहीं गंवाना है, चाहे कोई कितना ही चोर हो, हमें तो चाहे किसी के सामने बैठा दो, तो हमें नहीं लगता कुछ भी। सब इंसान है, हम इंसान है, ये भी इंसान है सर, हमें क्यों लगना चाहिए किसी को देख करके कोई अमीर है तो मुबारक है अमीर, हमको तो जानबूझ के गरीब बनाया गया है। जानबूझ के आपको एक ब्राह्मणत्व की ओर ले जाया गया है कि ब्राह्मणोचित जीवन जियो तभी तुम सेवा कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आपके अंदर अहंकार होगा तो आप किस तरीके से काम करेंगे, आपकी जो पोशाक पीली बनाई हमने क्यों बनाई है, आपको सूट पैंट भी सिलवा सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम आपके लिए वो मुहैया नहीं कर सकते थे, लेकिन नहीं, फिर आपको ये भान नहीं होता कि हम एक संत के शिष्य हैं, हम संत की एक संतान हैं, हम ऋषि की औलाद हैं, आपको ये भान ही नहीं होता। हम आपको उस ओर लेकर के जाना चाहते हैं जहाँ के ब्राह्मण जाता है। ब्राह्मण का एक ही काम रहता है कि ब्राह्मण सारे विश्व को उठाता है, उसके लिए सब बराबर है, वो उठाता है, ज्ञान देता है। आपको ज्ञान देना है, जो आपको यहाँ से जड़ी बूटी पिलाई गई है उस जड़ी बूटी को विस्तार करना है कि देखिए
हम ये पी के आए, हमने ये चखा और हम यहाँ तक आ पहुँचे। आप भी तो जरा चख के देखिए, आप भी तो जरा स्वाद लीजिए, देखिए आप ऊँचे उठते हैं कि नहीं उठते हैं। महानता से जुड़े हुए, महान बनना, महान बनना, महान बनना। महानता के बगैर आप कोई कार्य नहीं कर सकते। व्यक्ति महान होता है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए जो जिंदा रहता है वही परमार्थ का कार्य।